खरगोन की ब्रजधाम हवेली में रविवार की रात फूलों से खेली गई होली में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। ब्रज की तर्ज पर 40 दिन के होली उत्सव के दौरान आज फूल होली का आयोजन किया गया था। इस दौरान वैष्णव संप्रदाय के संत यदुनाथ जी महोदय की मौजूदगी में मंदिर परिसर में जमकर फूलों की बौछार हुई। फागोत्सव के तहत यदुनाथ महाराज के ठाकुर जी की हवेली में उमड़े हजारों श्रद्धालुओं के जन सैलाब के साथ विभिन्न प्रकार के फूलों से होली खेली। इस दौरान हजारों श्रद्धालु गोवर्धन भगवान के रसिया के भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं फॉग उत्सव के दौरान मंदिर में मौजूद हर श्रद्धालु अपने ऊपर फूलों की बरसात होने से अपने आप को धन्य मानते नजर आए। हर कोई श्रद्धालु अपने ऊपर फूल डलवाने को लेकर आतुर नजर आया। उल्लेखनीय है कि खरगोन के ब्रजधाम में भी ब्रज की तर्ज पर 40 दिन तक मंदिर में फूलों सहित विभिन्न प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कितना भीड़ भाड़ है आज, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पर अवनीग्राम ठाकुर जी की हवेली पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह निरंतर एक 40 दिन तक का यह आयोजन बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक का यह अलौकिक आयोजन होता है। इस बार ये अलौकिक इस मायने में भी है कि वैष्णव शिरोमणि वैष्णवाचार्य परम पूज्य श्री यदुनाथ जी महोदय श्री यहाँ पधारे हैं, जिनके सानिध्य में होली फाग महोत्सव का आयोजन 3 दिवसीय विशेष आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रकार से होली के लिए फूलों से फूल फाग महोत्सव फूल से और गुलाल से होली खेली जा रही है और सारे वैष्णव इस अलौकिक आनंद का हिस्सेदार बन रहे हैं और यहाँ लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं कन्हैया कोठाने। आवाज आई? हाँ। किस प्रकार का उत्सव है, क्या क्या होता है? अपने वहाँ ब्रज के अंदर जो होली के 40 दिन होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की होलियाँ ठाकुर जी को खिलाई जाती हैं और उसमें से ही एक है ये फूल की होली, क्योंकि फूल की होली के द्वारा अपने यहाँ कहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जाता है कि होली के दिन जी विचार करे कि होली सो होली, पिछले साल में जो होना था सो हो गया, अब नए सुगंध को लेके नए रंग को लेके वो अपने नए जीवन की शुरुआत करे। पुराने वर्षों में जो भी अनुभव अपन ने किया वो अनुभवों को, वो गलत एक्सपीरियंस को अपन भूल के प्रभु के दिए हुए सुमन, सुमन यानी सुंदर मन, पुष्प को कहते हैं सुमन, और ये सुंदर मन ग्रहण करके हम अपनी होली को खेलेंगे और प्रभु के रंग से औरों को रंगेंगे तो अपना जीवन भी मंगल होगा और अपने जीवन जीने का अंदाज, जीवन जीने का ढंग भी मंगल होगा। कितना उत्साह रहता है यहाँ पर होली? यहाँ पे होली के दिन ऐसे होते हैं कि छोटे से लेके वृद्ध जन भी अपना आपा खो बैठते हैं और प्रभु के सखा हों वैसे एक प्रभु का आविर्भाव होता है। और ये अपने वहाँ होली के दिनों में एक क्रम होता है पुष्टि मार्ग में कि जब होली खेल खिलाते हैं तो ठाकुर जी के चरणों को ढक दिया जाता है और प्रभु के चरणों को ढका, क्योंकि चरणों में दास भक्ति है और यदि दास भक्ति होगी तो फिर ठाकुर जी को रंगने में जीव संकोच करेगा और जब चरणों को ढक दिया तो वहाँ दास भक्ति गौण होगी और सख्य भक्ति की वृद्धि हो गई और सख्य भक्ति हो गई यानी प्रभु एक मुट्ठी गुलाल डालें तो एक मुट्ठी सामने डालने की हमको छूट मिल गई और जब प्रभु का गुलाल आवे और हम भी प्रभु को रंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।